हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज है 30 नवंबर और हम बात करेंगे 29 और 30 नवंबर 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, क्योंकि कल मैं गया हुआ था वोट डालने के लिए और उसके कारण आपको ये वीडियो प्राप्त नहीं हुआ था, तो जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। वीडियो की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है डाउनलोड की, हमारी वेबसाइट की, जहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले हमारी पीसी प्री 2019 की टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। 125 टेस्ट होंगे, सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। करीब 2000 से प्लस स्टूडेंट जो है इसको आज ज्वाइन कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे क्विक रिविजन कल के पड़े गए या पिछले पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। और आज के वीडियो में हमने जो है 16 प्रश्न कवर किए हैं। कितने प्रश्न कवर किए हैं? 16 प्रश्न, तो ये भी याद रखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आपके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज करते रहें। पहला प्रश्न है कि किसे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं सुनील अरोड़ा साहब। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कौन थे, अभी अगले ये हो जाएंगे तो इससे पहले कौन थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि किसने बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तीसरा प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल और किस देश की सीमा बल के बीच चेन्नई में बेसल सर्च तकनीक पर एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वहीं चौथा प्रश्न था कि बच्चों को देखरेख करने वाली संस्थानों CCI के राष्ट्रीय बाल समारोह हौसला 2018 का उद्घाटन कहाँ किया गया, और ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। और पांचवा प्रश्न कि किसको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है, और ये है नागेश्वर राव साहब। वहीं छठवें प्रश्न की आपसे बात करें, छठवां प्रश्न है कि DAYNUML बैंक ऋणों पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग के लिए सस्ते क्रेडिट और ब्याज अनुदान पहुंचाने के लिए किस पोर्टल के शुभारंभ किया गया है, और इस पोर्टल का नाम है पैसा पोर्टल। वहीं छठवां प्रश्न, सातवां प्रश्न है कि किसे भारत में उल्का पिंडों के संग्रह संरक्षण पंजीकरण और प्रसार के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, और ये बनाई गई है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आठवां प्रश्न कि किस देश के द्वारा जो है मार्स इनसाइड मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है, और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसकी एजेंसी नासा है उसका ये मिशन है। नवा प्रश्न के बिहार में राजमार्गों के सुधार के लिए किस बैंक से 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच में इसके लिए हस्ताक्षर हुए हैं। और दसवां प्रश्न के देश का पहला HCI टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर कहाँ शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ है उत्तराखंड के अंदर। वहीं ग्यारहवां प्रश्न कलम देखा था किस राज्य में पर्यटक पुलिस को लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड वहां पर। और बारहवां प्रश्न था कि किसे फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये भारत के हैं अजीम प्रेमजी साहब जो कि एक उद्योगपति हैं। और तेरहवां प्रश्न के चौदहवा पुरुष हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया, और ये किया गया है भुवनेश्वर के अंदर। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें G20 ठीक है शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए हैं, और ये हो रहा है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हो रहा है, वहां पर ये भाग लेने के लिए हमारे मोदी जी गए हुए हैं। डिटेल देखिए इसकी क्या है। पहली चीज कहाँ, कौन, क्यों और कहाँ, ये तीन प्रश्न आपके सामने हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए, तो ये ब्रिटेन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स गए, और क्यों गए, 13वीं जो G20 शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है कि निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति, इस बार का विषय है। इसके बारे में मैंने जानकारी बता दूं कि इस सम्मेलन में भाग लेने के अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो चीन के राष्ट्रपति से बात करेंगे, जर्मनी के चांसलर से बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और ब्रिक्स देशों के प्रमुख से भी वहां पर मुलाकात होगी। विशेष इसके बारे में कि सामूहिक रूप से अगर G20 की बात करें तो दुनिया की आर्थिक उत्पादन का जो 85% होता है वो G20 यानी 20 देशों से होता है। दुनिया की आबादी का 2/3 ठीक है, 2/3 लगभग इन्हीं से आता, लगभग 66%, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सेदारी इन G20 देशों की है। अब ये G20 जो है आखिर है क्या, तो G20 एक्चुअल में वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं विभिन्न देशों के उनका समूह है, ठीक है। इसको G20 या 20 का समूह के रूप में जाना जाता है। B20 जो है विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि कितनी बड़ी ताकत है।
और इसमें 19 तो देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, ठीक है, तो इस प्रकार से 20 हो जाते हैं। अब बात आई अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना कहाँ है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति है मेरिसिया मैक्री, मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो, एक अर्जेंटीना पेसो के अंदर 1.81 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए अब मैप में मैं आपको अर्जेंटीना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अर्जेंटीना जाने के लिए आपको पता है कि अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, तो आप पूरा अफ्रीका क्रॉस कीजिए, अटलांटिक महासागर क्रॉस कीजिए, और उसके बाद आप पहुंचिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है, ये है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना है ये। इधर किससे लगा हुआ है, इधर जो इसके चिली है, ये इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, इधर उरुग्वे से लगा हुआ है, इस तरफ आप देखेंगे तो पराग्वे है, और ऊपर ये जो देखेंगे तो ब्राजील है, ऊपर देखेंगे बोलीविया है, तो ये देशों के बीच में है अर्जेंटीना। तो इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि इसरो ने हिसेस उपग्रह, ये उपग्रह का एक फॉर्म है, नया उपग्रह, और ये कहाँ से लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। देखिए इसरो जितनी भी उपग्रह लॉन्च करता है वो अपने श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च करता है। जो बड़े उपग्रह होते हैं उसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करता है, लेकिन उसके लिए भारत में अभी बजट लॉन्च किया गया, काम चल रहा है, बड़े से बड़े उपग्रह, भारी से भारी उपग्रह भी हम अपने यहाँ से लॉन्च कर पाएंगे, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। और कलाम द्वीप जो है वो एक्चुअल में मिसाइल वगैरह के टेस्टिंग के लिए काम आता है, व्हीलर द्वीप जिसका पुराना नाम था। डिटेल देखिए दूसरे प्रश्न की क्या है। पहली चीज, पहला प्रश्न कि क्या किया है, तो भारत का जो रॉकेट है PSLV, उसने आधुनिक भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाइसिस, इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है और सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अंतरिक्ष में कर दिया गया है। PSLV द्वारा 8 देशों का एक माइक्रो उपग्रह और 29 नैनो उपग्रह भी अपने साथ लेकर गया था ये मिशन में। विशेष क्या है कि ये पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह है जिसको हाइसिस नाम दिया गया है, और ये अलग अलग कोण से पृथ्वी में जो तस्वीरें हैं उसकी ले सकता है, अच्छी तस्वीरें ले सकता है, और कृषि, वन, जैव पारिस्थितिकी, समुद्री तटीय क्षेत्र और नदी मार्गों के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें ये देगा। और इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस बार PSLV उपग्रह ने 2 अलग अलग कक्षाओं में इसको स्थापित किया, यानी जो उपग्रह थे वो अलग अलग कक्षाओं में छोड़े गए, और इससे पहले हाइसिस को ऊंची कक्षा में स्थापित ये किया, उसके बाद फिर दूसरी कक्षाओं में इनको स्थापित किया गया, तो ये एक बड़ी बात थी, हालांकि पहले भी भारत ऐसा कर चुका है। बात करेंगे इसरो की। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इसरो। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवान, जिनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपके सामने कि सरकार ने स्कूल के छात्रों को भारतीय भाषाओं से अवगत कराने के लिए भाषा संगम नामक एक अनूठी पहल शुरू की है, ठीक है, किस नाम से, भाषा संगम के नाम से, और ये कितनी भाषाओं की मैं इसके लिए शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है 22 भाषाओं के लिए, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, कितनी भाषाओं के लिए, तो 22 भाषाओं के लिए। इसकी डिटेल देखिए क्या है। पहली चीज क्या शुरू किया है, तो सरकार ने स्कूलों में छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं से अवगत कराने के लिए भाषा संगम की एक नई अनूठी पहल शुरू की है, और ये 22 भाषाएं कौन सी, ये 22 भाषाएं वही हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनको वर्णित किया गया, तो ये भारत की 22 भाषाएं हैं। कब से कब तक ये चलेगा, तो ये पहल जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक अभियान है, उसके तहत 22 नवंबर से शुरू हुई है और 21 दिसंबर के लिए चलेगी। विशेष क्या है, भाषा संगम जो है भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी संपर्क प्रदान करने के लिए और स्कूलों और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहल है। बात करेंगे अब हम यहाँ पर चौथे प्रश्न की कि किसने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जो है शपथ ली है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अरविंद सक्सेना। डी ऑप्शन सही है, अरविंद सक्सेना, इनको काफी पहले बना दिया गया था अंतरिम अध्यक्ष, लेकिन फाइनली ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। डिटेल देखें इनकी क्या है। पहली चीज, पहली बात, किसने और क्या बनाया गया है, तो अरविंद सक्सेना है, इनको नई दिल्ली में एक समारोह में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ इन्होंने ली है। 8 मई 2015 को सदस्य के रूप में आयोग में शामिल हुए थे, और 20 जून 2018 को संघ लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक का अध्यक्ष बनाया गया था, और फाइनली इनको जो है अब अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, अब संभवतः ऐसा कोई प्रश्न बन सकता है आपसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष को पद शपथ कौन दिलाता है, तो यूपीएससी के सदस्य, याद रखिएगा यूपीएससी के सदस्य, ना कि राष्ट्रपति, ना राज्यपाल, ना चीफ जस्टिस, ये यूपीएससी के सदस्य इनको शपथ दिलाते हैं। अब यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश भारत के समय,
और काम क्या करता है कि संविधान द्वारा स्थापित है, तो एक सांविधानिक निकाय हो गया। और भारत सरकार में जो लोक सेवा के पदाधिकारी हैं उनके लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। अनुच्छेद में इसका वर्णन कहाँ है, तो 315 से लेकर 323 के बीच में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये भी बातें आपको लोक सेवा आयोग के बारे में याद रखनी है। बात करेंगे अब हम छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो कौन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और इनका नाम है AM नाइक। ठीक है, AM नाइक साहब, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। लार्सन एंड टूब्रो की जो है प्रमुख है, चेयरमैन है, और इनको बनाया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष। डिटेल देखिए इनकी क्या है। पहली बात, किसे और क्या बनाया गया है, तो AM नाइक को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, जिसे NSDC के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग और निर्माण की कंपनी है लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT, उसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की बात करें तो स्थापना इसकी 2008 में हुई थी, और क्यों की गई थी, तो भारत की पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है, जो निजी और सरकारी साझेदारी में काम आने वाली इकाई है, तो उनके लिए जो है कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि NPCC को किस दर्जे से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो NPCC और इसे किस दर्जे से सम्मानित किया गया, तो इसको बनाया गया अभी मिनी रत्न। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, मिनी रत्न। अब इसकी डिटेल देखिए, आखिर NPCC है क्या। NPCC मतलब भारत सरकार का जो राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड NPCC, इसको मिनी रत्न के साथ सम्मानित किया गया है। क्या इससे फायदा हो जाएगा, अब कंपनी जो है तेजी से निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएगी और इससे उसकी सशक्ति बढ़ेगी, क्योंकि मिनी रत्न कंपनियों को अपने कुछ स्वायत्तता प्रदान की जाती है। इसकी डिटेल देते हैं कि एक प्रमुख निर्माण कंपनियों में है, और इसको NPCC को ISO प्रमाण पत्र भी दिया गया है, तो ये भी इसके बारे में याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आखिर NPCC है क्या। तो राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक कंपनी है, और इसे जो है 1957 में स्टार्ट किया गया था, तो इसके बारे में ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बात करेंगे अब हम सातवें प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास कोंकण 18 गोवा में शुरू हुआ है। ठीक है, कोंकण 18 के नाम से, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में शुरू हुआ है। सी ऑप्शन सही है, कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में ही होता है, 2004 से चल रहा है। इसकी डिटेल देखिए क्या है। पहली चीज, किसके बीच में और कहाँ ये शुरू हुआ है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण युद्धाभ्यास 28 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में गोवा में शुरू हुआ है, और इसमें दोनों नौसेनाओं की यूनिटें भाग ले रही है दोनों देशों की। इस वर्ष के युद्धाभ्यास का जो मुख्य विषय है, वायुभेदी जंग है, जमीन रोधी जंग है, पनडुब्बी रोधी जंग है, समुद्र में कार्यवाही और युद्ध कौशल है, विजिट बोट एंड सर्च सीजर जिसे कहा जाता है, जहाज को चलाने की कला का एक क्रमिक विकास भी इसमें शामिल है। अन्य क्या है इसमें, तो कोंकण युद्धाभ्यास की श्रृंखला 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, और तब से इसको आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे पहले ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। प्रधानमंत्री थेरेसा मे, मुद्रा है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग, और एक पाउंड स्टर्लिंग के अंदर लगभग 90 इंडियन रुपीज होते हैं। मैप में मैं आपको ब्रिटेन दिखाने से पहले कोंकण और कोंकण तट की बात बता दी जानकारी बता देता हूँ। एक्चुअल में भारत का जो पश्चिमी तट है उसका पर्वतीय ये एक भाग है, पूरे तट का एक भाग है, राइट। ठीक है, 720 किलोमीटर लंबा एक समुद्र तट है जिसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो कोंकण को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की मैप में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से कहाँ जाना है आपको, ब्रिटेन जाना है। तो ब्रिटेन के लिए आपको जाना पड़ेगा यूरोप, और यूरोप में जो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये है ब्रिटेन। ठीक है, कौन सा ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है जिसकी राजधानी आपको दिखाई दे रही होगी लंदन है। अब इसके बारे में कुछ मैं डिटेल बता देता हूँ। एक्चुअल में ये परिसंघ है चार देशों का, कौन कौन सा, यहाँ ऊपर की तरफ है इसमें स्कॉटलैंड, उसके बाद इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ है इसमें वेल्स है, और बाकी का जो क्षेत्र है वो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड, उसके बाद यहाँ पर जो एक देश है इसको कहते हैं उत्तरी आयरलैंड। तो ये चार देश मिलकर एक देश बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। चारों देश स्वायत्त हैं, ठीक है, स्वायत्त का मतलब उनके पास अपनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये जो है अलग अलग एक ही देश के अंतर्गत आते हैं। आपने इंग्लैंड की टीम अलग देखी होगी, स्कॉटलैंड की कई खेलों में अलग अलग टीम होती है, तो इस प्रकार से देश अलग अलग है। चार देश मिलकर एक देश बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम के नाम से। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
अगला है आठवां प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह के तहत दक्षिण एशिया युवा शांति सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली, दक्षिण एशिया युवा शांति सम्मेलन। इसकी डिटेल देखिए क्या है। पहली बात, कहाँ, क्या और किसने इसकी शुरुआत की? तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय युवा शांति सम्मेलन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 28 नवंबर 2018 को गांधी दर्शन नई दिल्ली में। महात्मा गांधी के प्रपुत्र हैं श्री कृष्ण जी कुलकर्णी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था? इसका आयोजन गांधी स्मृति और दर्शन समिति, यूनेस्को, IGEP और STEP, स्टैंडर्ड एंड टुगेदर टू अनेबल पीस। ठीक है, इसके द्वारा इनको आयोजित किया गया है। विशेष क्या है? दक्षिण एशिया देशों और देश के अलग अलग भागों से, भारत के अलग अलग भागों से करीब 100 युवा नेता शांति के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के लिए इसमें एकत्रित हुए हैं। अब बात कर लेते हैं उस टर्म की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया। एक्चुअल में टर्म क्या है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अनौपचारिक शब्दावली, अनौपचारिक मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी नहीं है, सिर्फ अनौपचारिक रूप से इसे बोल दिया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण हिस्से के लिए किया जाता है, और इसका आशय सामान्यतः हिमालय के दक्षिण में स्थित जो देश है उनसे लगाया जाता है, और कभी कभी कुछ अगल बगल के देश इसमें जोड़ लिए जाते हैं। कौन कौन है इसमें मेन? तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ये एक्चुअल में दक्षिण एशिया के देश है। भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा नेपाल, भूटान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, और कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, इनके नाम से जाना जाता है दक्षिण एशिया को। बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। नवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि किसे 2020 तक जैव ईंधन का इस्तेमाल बंद करने का लक्ष्य बनाया है? तो किसने ये लक्ष्य बनाया है? जैव ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इसका तो ये बनाया है यूरोपीय यूनियन ने। ए ऑप्शन सही है, यूरोपीय यूनियन। इसकी डिटेल देखिए क्या है। पहली बात आपके सामने, किसने क्या बनाया है लक्ष्य? तो यूरोपीय संघ ने 28 नवंबर को सरकारों, उद्योगों, नागरिकों और अन्य क्षेत्रों से अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि ब्लॉक को 2050 तक जैव ईंधन, ब्लॉक मतलब यूरोपियन यूनियन, वो पूरे क्षेत्र को 2050 तक जैव ईंधन से प्रयोग करने से मुक्त करने की एक महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने क्या किया है? आह्वान किया है, उनसे अनुरोध किया है। विशेष क्या है? अगले सप्ताह दुनिया के 200 देशों के प्रतिनिधि लगभग, ठीक है, COP24 में हिस्सा लेने के लिए पोलैंड में एकत्रित होने वाले हैं। और क्यों एकत्रित होने वाले हैं? 2015 के पेरिस जो समझौता हुआ था उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए ये होने वाला है। अब बात करेंगे यूरोपियन संघ की। यूरोपियन संघ एक्चुअल में 1 नवंबर 1993 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, और 28 देश जो है इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स के अंदर, जो कि बेल्जियम के अंदर है, ठीक है। मुद्रा है यूरो, और एक यूरो के अंदर लगभग 80 इंडियन रुपीज होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दसवें प्रश्न की। दसवें प्रश्न आपके सामने के बच्चों के लिए कौन सा भारत का पहला उन्नत व्यक्तिगत रोबोट लॉन्च किया गया है? तो उन्नत व्यक्तिगत रोबोट लॉन्च किया गया, इसका नाम है मीको 2। बी ऑप्शन सही है, मीको 2। डिटेल देखिए इसकी क्या है। तो पहली बात, किसने और क्या लॉन्च किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बॉम्बे के जो स्नातक थे उनके द्वारा इमोटिक्स नाम का एक स्टार्टअप बनाया गया है, और उनके सह संस्थापक ने बच्चों के लिए भारत का पहला उन्नत व्यक्तिगत रोबोट मीको 2 लॉन्च किया है। क्या क्या कर सकता है? तो पहली बात, तो भारत का पहला उन्नत रोबोट है, देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, व्यक्त कर सकता है, बात कर सकता है, चेहरों को पहचान सकता है, नाम याद रख सकता है, और मनोदशा की पहचान कर सकता है, और इन सब चीजों को करने के बाद वो वार्तालाप शुरू कर सकता है। जैसे जैसे बच्चे के साथ ये घुलता मिलता जाएगा ये अपने आप से और सीखता चला जाता है। तो ये भी आपके इसके बारे में याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि 2011 में भारत में पहली बार किस नाम की गहरी, ठीक है, 2011 से के बाद किस नाम की नई गहरी समुद्री सर्प प्रजातियां भारत में मिली हैं, और इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है पॉगमी फॉल्स कैट सार्क। बी ऑप्शन इसका सही है, पॉगमी फॉल्स कैट सार्क। डिटेल देखिए इसकी क्या है। पहली बात, उत्तरी हिंद महासागर में पॉगमी फॉल्स कैट सार्क नाम की एक नई गहरी समुद्र की प्रजाति खोजी गई है। विशेष क्या है कि 2011 में मैंगलोर हाउंड सार्क के बाद भारत में ये पहली ऐसी खोज, 2011 में मैंगलोर हाउंड सार्क की खोज हुई थी, नई प्रजाति थी, फिर ये एक और प्रजाति खोजी गई है।
प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है प्लानोनस, प्लानोनसस इंडिकस, ठीक है। तो प्लानस का मतलब है फ्लैट और नासस का मतलब है नाक, तो फ्लैट नाक इसकी है इसलिए इसका नाम दिया गया है। अन्य क्या है इसकी जानकारी, तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संगठन CMFRI, ठीक है, ये कहाँ है तो कोची में। इसके सहयोग से अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। और ये जो है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने बार बार है कि किस भारतीय सामाजिक उद्यमी ने पहला संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक राजदूत का पुरस्कार जीता है। तो ये सामाजिक उद्यमी है, इनका नाम है संजय कुमार। सी ऑप्शन सही है, संजय कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। डिटेल देखिए इनकी क्या है। पहली बात, किसे और क्या दिया गया है, तो जियो स्पॉटियल मीडिया एंड कम्युनिकेशन के संस्थापक हैं और उसके सीईओ हैं संजय कुमार। उनको चीन के डेकिंग शहर में आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र का विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस, इसमें ग्लोबल जियो स्पेक्टिकल इंडस्ट्रीज एम्बेसडर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मान दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र की GIIM यानी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन द्वारा इनका सम्मान किया गया है। बात करते हैं 13वें प्रश्न की कि अखिल भारतीय एकल आपात नंबर 112 इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, 112, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। अब इसकी डिटेल देखिए क्या है। पहली चीज, किसने और क्या शुरुआत की, तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, वहां पर आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर है 112, 112, इसको शुरुआत करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। अच्छा, एक्चुअल में ये है क्या 112? 112 एक ऐसी सेवा है जिसके अंदर पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन की राज्य में जो है एक प्रतिक्रिया केंद्र से जुड़ जाएंगी। अभी तक क्या हो रहा था, अलग अलग प्रतिक्रिया केंद्र थे, या कई बार क्या होता है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग नंबर की, पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करो, एम्बुलेंस के लिए 101 डायल करो, या इस प्रकार से अलग अलग सेवाएं थी। तो इससे जो है सारी सेवाएं एक ही जगह से मिलेंगी और सारे केंद्र एक साथ जुड़ जाएंगे। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, राजधानी हिमाचल प्रदेश की शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, बीजेपी से हैं, राज्यपाल हैं के आचार्य देवव्रत। बात करेंगे अब हम 14वें प्रश्न की कि कहाँ पहला ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन पहला विश्व का आयोजित किया गया केन्या के अंदर, और केन्या में भी कहाँ, केन्या की राजधानी नेरोबा में, नेरोबी में संपन्न हुआ है। इसकी डिटेल देखिए। पहली चीज, कहाँ और क्या आयोजित किया गया था, तो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी पर पहला वैश्विक सम्मेलन 28 नवंबर को केन्या नेरोबी में आयोजित किया, संपन्न हो गया, और इसका आयोजनकर्ता केन्या था, कनाडा और जापान इसके सह मेजबान थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। विशेष क्या है इसके बारे में, कि सम्मेलन समुद्री और तटीय संसाधनों की रक्षा के लिए, जो समुद्री संसाधन है और तटों पर जो चीजें हैं, रिसोर्सेस हैं, उनकी संरक्षा के लिए, उनकी पुनः उत्पत्ति में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित करता है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये संसाधन उपलब्ध हो सके। तो एक अच्छे गॉस के लिए इनको शुरुआत की गई थी। बात करते हैं हम केन्या की। केन्या की राजधानी नैरोबी है, राष्ट्रपति है अहुरू केन्याता, मुद्रा है केन्याई सेलिंग, और 1 इंडियन रुपीज में 1.47 केन्याई सेलिंग होते हैं। मैप में अब मैं आपको लिए चलता हूँ केन्या। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से केन्या जाने के लिए आपको अफ्रीका जाना होगा, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में केन्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ है केन्या, कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये केन्या है यहाँ पर, ये देखिए ये केन्या है जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और इधर इंडियन ओशियन से ये लग जाता है केन्या, ठीक है। और ये नैरोबी इसकी राजधानी है, इस तरफ युगांडा है, साउथ सूडान है, इस तरफ इथोपिया है, इस तरफ सोमालिया है, और इस तरफ की सीमा किससे लग जाती है, इधर लग जाता है इंडियन ओशियन से। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला है 15वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 में किस फिल्म ने स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है, इस फिल्म का नाम क्या है, ठीक है। तो इस फिल्म का नाम था डोनबास, ठीक है, डोनबास याद रखिएगा। इसकी डिटेल देखिए क्या है, तो किसे मिला है और क्या मिला है, तो सरगेई लोजिस्ता द्वारा एक फिल्म निर्देशित थी, फिल्म का नाम था डोनबास। 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में संपन्न हो गया, और इसमें प्रतिष्ठित पुरस्कार है स्वर्ण मयूर पुरस्कार, इस फिल्म ने जीता है। ये पुरस्कार 28 नवंबर 2018 को गोवा में संपन्न हुआ है। और अन्य क्या इसके बारे में डिटेल, अन्य क्या क्या और पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं, तो लिजो जोस पेलिसरी
इनकी 2018 की फिल्म थी ई डॉट मा डॉट यू। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है चेम्मन विनोद को ईसी की ई मायू फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लारा लारियासा फिल्म में काम करने के लिए अनास्तासिया पस्तोविट को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इसका फोकस देश इस बार क्या था? तो इसराइल इसका फोकस देश था, और सहयोगी प्रदेश कौन सा था? तो झारखंड इसका सहयोगी प्रदेश था, और गोवा में इसको आयोजन किया गया था। बात करेंगे 16वें और अंतिम प्रश्न की, हमारे करंट अफेयर के आज के, किसे एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया दो जवाजों को, एक है नौसेना के कमांडर विजय शर्मा और दूसरे नौजवान के कप्तान पी राजकुमार। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी डिटेल देखिए, क्यों इनको सम्मानित किया गया, पहली चीज किसे और क्या सम्मान दिया गया है। तो भारतीय नौसेना कमांडर है विजय वर्मा और कप्तान है पी राजकुमार, इनको 28 नवंबर 2018 को एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया है। क्यों? कि केरल में अभी हाल ही में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, उसके लिए अपनी निस्वार्थ सेवा और बचाव अभियान में बहादुरी के लिए इनको सम्मानित किया गया था। विशेष किया कि ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र द स्ट्रेस टाइम्स के द्वारा स्थापित है और सिंगापुर में ये दिया जाता है। तो ये थे हमारे कल के ग्रैंड अफेयर के प्रश्न। आई होप कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।